Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर सेल सिमुलेटर. तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने शोरूम टेक्नो मोटर्स के लिए बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली है. मतलब जो अपने शोरूम का ग्राउंड फ्लोर है भाई, वो लिटरली इतना भर चुका है कि पैर रखने की जगह नहीं है. और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें भी बहुत सारी लग्जरी कार्स है. तो आज की वाली वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी सस्ती गाड़ियां है ना, उन सारी गाड़ियों को मैं बेच दूंगा. देखते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा होता है. और जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उन पैसों से मैं लग्जरी कार्स खरीदने वाला हूँ. क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टेक्नो मोटर्स में भाई सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियां हो, मैं तो ऐसे दो दो तीन तीन लाख डॉलर्स वाली. तो लेट्स सी हम लोग अपने कलेक्शन को कितना बड़ा कर पाते हैं. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं गेम में. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू कार फॉर सेल. फिलहाल मैं था अभी अपने घर पे और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा शोरूम के लिए, क्योंकि आज अपने शोरूम की सारी गाड़ियों को बेचना है. बाकी घर से मुझे एक चीज याद है कि यार देखो, शुरुआत में तो अपने पास भाई घर खरीदने का पैसा तक नहीं था. हम लोग एक छोटे से कंटेनर में रहते थे, बट अभी घर खरीद लिया है. अभी इतना पैसा है कि मेरा मन है मैं इस घर को अपग्रेड करूं. ये घर यार देखो थोड़ा बहुत छोटा लगने लग गया. अपने पास इसमें गैराज होना चाहिए, गाड़ी ऐसे ओपन में नहीं खड़ी होनी चाहिए. बाकी ये जो गाड़ी है ये भाई बिकने के लिए खड़ी नहीं है, ये मेरी ही गाड़ी है. ये लास्ट टाइम मुझे ऑक्शन में मिली थी और कोई नया ब्रांड मुझे लग रहा था तो मैंने ले लिया, बट सच में बहुत अजीब पेंट हो रखा है इस गाड़ी पे. नॉर्मली गाड़ियों पे स्प्रे पेंट होता है, पर इस पे भाई लग रहा है जो घर में दीवार पे पेंट मारते हैं वो वाला पेंट है. एक मिनट रुको भाई, गंदी है या फिर एक्चुअल में वही पेंट है? थोड़ी धो के देखते हैं. नहीं भाई, गाड़ी तो साफ सुथरी है, थोड़ी वो मिट्टी विट्टी चिपक रही थी. बाकी यहाँ ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ये गाड़ी है. अपने पास भाई निसान जीटीआर लैम्बो फरारी सब है अभी. सॉरी फरारी हो, लैम्बो नहीं है. लैम्बो थी, बेच दिया यार, अभी टेंशन नहीं है गाड़ी होगा. चलो भाई, गाड़ी को फुल एकदम धो के चमका दिया. पता नहीं किस लिए मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं है, ले जाके बेचने ही वालों में से. अभी ठीक है, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं शोरूम पे. और मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी घर पे था ही तो लगे हाथ नेबरहुड में भी चक्कर काट के देख लेते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ी आ रखी है. फिलहाल तो यहाँ पे कोई एकदम विंटेज कार खड़ी है, बट पता कर आता हूँ यार कितने की है ये गाड़ी. शायद से ये बीटल है क्या यार, वॉक्सवैगन बूटल. हाँ मतलब बीटल ही हुई. कितने की बेच देगा भाई तू ये गाड़ी? 21,000 डॉलर, सस्ती दे रहा है. तो एक काम कर, ये मुझे 18,000 में देके डील डन कर दे. ड्रामे नहीं, अभी ले ले. यस हो गया. आजकल मैं डील बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ. इस गाड़ी को टो करवा के शोरूम पे भिजवा देते हैं. अरे मैंने रिपेयर पे भिजवा दिया. चलो कोई नहीं, वैसे भी गाड़ी थोड़ी टूटी थी, रिपेयर हो जाएगी. बाकी ठीक है भाई, मैं रैंडमली रोड में कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता हूँ. ट्रैफिक लग रहा है यार, दो मिनट रुक. हाँ वैसे गाइस सच बताऊं तो मेरा ना आजकल भाई मन नहीं करता है बिल्कुल भी यहाँ से गाड़ियां लेने का. नेबरहुड में भाई सारी सस्ती सस्ती गाड़ियां आती है यार. आज कार मार्केट प्लेस ओपन है और अपने पास 4 लाख डॉलर्स हैं. तो देखो गाइस आज के ना क्या क्या टास्क है. मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि जितनी भी गाड़ियां हैं इन सबको बेचने के बाद मैं कितना पैसा कलेक्ट करने वाला हूं. और दूसरी चीज, मुझे साथ के साथ तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स भी ढूंढते रहनी है और खरीदते रहनी है. लेट्स गो. तो हम लोग पहुंच चुके हैं कार मार्केट प्लेस जो कि आज ओपन भी है. अंदर एक बार चलकर देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ियां आ रखी हैं. भाई वैसे सच बताऊं तो देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई भी महंगी गाड़ी यहाँ पर आई है. ये तो सेम वही कार है ना जो हम चला रहे हैं. हाँ ये सेम है भाई, क्यों फेमस है ये गाड़ी. ठीक है, सामने एक और बीटल है जो कि मैंने भी रिसेंटली खरीदी भाई. इधर पीछे बीएमडब्ल्यू और पीछे भाई पोर्शे. लेट्स गो. एक पोर्शे आ रखी है और पीछे एक फरारी आ रखी है भाई, क्रेजी है सीन. मैं सोच रहा हूँ कि यार ये दोनों गाड़ियां खरीद लूंगा. कितने की है पोर्शे? मेरे पास 4 लाख डॉलर है ना, 1,40,000 की ये दे रहा है. आ जाएगी भाई, दोनों गाड़ी आ जाएगी. लग्जरी कार कलेक्शन अपना बहुत बड़ा होने वाला है. वो 1,40,000 का था और ये वाला 2,60,000. रुको अभी डील करता हूँ. 1,80,000 में दे रहा भाई. 1,80,000 का डील शायद. ओह बहुत ज्यादा कम हो गया क्या? अच्छा 2,60,000 बोल रहा है भाई. वो 2,20,000 आ जाए यार, प्लीज आ जाए यार. देख ले भाई नहीं है. हो गया क्या? ओके भाई, 40,000 डॉलर कम करा के मैंने एक फरारी ले लिया है. नेक्स्ट गाड़ी में लेने वाला हूँ पोर्शे जो कि ऑलरेडी काफी सस्ती मिल जाए, बट डैमेज बहुत ज्यादा है, रिपेयर करानी पड़ेगी. देख भाई 1,40,000 ये गाड़ी जम नहीं रहे इस पे, तो 1,08,000 दूंगा. प्लीज इसे बेच दे भाई. देख ओके भाई, थोड़े से ज्यादा मांग रहे हो. जब 1,11,000 या फिर 1,40,000 का ना ये मैक्स मेरे को लग रहा है. 1,19,000 भाई, इसको अमेज़न वाले ऑफर दे रहा हूँ मैं तो. हो गया क्या भाई, तू चूना लग जाता भाई. चलो भाई दो गाड़ी मिल चुकी है और ये गाड़ी कौन सी, ये भी महंगी बिक जाएगी. बट यार मेरे को फरारी और पोर्शे को रिपेयर करवाना है तो उसके लिए भी पैसे बचा के रखने हैं. ये भी शेवरलेट की भाई तगड़ी गाड़ी है कोई, और आई थिंक ये गाड़ी मुझे 52,000 में मिल जानी चाहिए. 58,000 इसको भी ये वाला चूना लगाते हैं भाई. रुको 5,699,999 काश इसे लग जाए प्लीज. ओ भाई ये भाई मिल गई, सस्ती हो जाती है भाई ऐसे गाड़ी. बस और कोई गाड़ी नहीं चाहिए, ये गाड़ी भिजवा दो रिपेयरिंग के लिए. फरारी आई थिंक फुल अच्छी कंडीशन में है ना. देखो भाई गाड़ी चेक करी जाएगी, फरारी 21% डैमेज्ड है. चलो कोई नहीं, शोरूम पे टो करवाते रिपेयर करवा लेंगे. पोर्शे तो डैमेज थी, इसे भी टो करवाते रिपेयर करा लेंगे. बाकी भी 40,000 डॉलर बचे हैं. एक बीएमडब्ल्यू की कूपे है, ये कितने की दे देगा यार? 82,000. अरे ना 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 भैया पैसे नहीं है, अभी अभी खत्म, जेब खाली होगी भाई. चलो आज के लिए हमने बहुत अच्छी खासी शॉपिंग कर लिया भाई. देख रहे हो फरारी वरारी खरीद के जा रहे हैं डब्बी सी गाड़ी में. लेट्स गो भाई, अभी फटाफट से चलते हैं. इस गाड़ी को भी नीचे वाले फ्लोर पे खड़े करके बेच डालते हैं. बाकी आज मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ क्यों ना एक ड्रैग रेस कर ली जाए यार, बड़े दिनों से ड्रैग रेस मैं कर नहीं रहा हूँ. चलो कोई नहीं, आज भी देखते हैं कभी करेंगे.
फिलहाल तो अभी इस गाड़ी को लेकर मुझे चलना है, पीछे पार्क करता हूँ। पहले ना ये जितनी भी गाड़ियां इन सबको मैं बेचने के लिए लगा देता हूँ। भाई ये देख रहे हो इतना भर रहेगा शोरूम अपना टेक्नो मोटर्स, मतलब जगह ही नहीं है। आराम से बस ये गाड़ी पार्क हो जाए एक लास्ट। डैमेज नहीं किसी गाड़ी पे। इसको पीछे लाके एकदम आराम से, चलो भाई मस्त एकदम गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दे, इंजन ऑफ, बाहर निकलते हैं। भाई 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 बहुत ही गलत सीन है। अभी ना मुझे बस बैठ के इन सभी गाड़ियों को रिपेयरिंग पे लगाने हैं, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना ऐसे सामने खड़े होकर रिपेयरिंग पे लगाऊंगा। यार बहुत सही दिखती है, देखो अभी देखो भाई ऊपर वाला फ्लोर तुम देख रहे हो कैसे चमक रहा है, रेड ग्रीन येलो ब्लू क्या क्या कलर है, पर्पल वगैरह। दो गाड़ी आई थी, तुम खाली क्यों खड़े हो जाते हो, रिपेयर करो इसे। हाँ चल 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 रिपेयर पे लगो। हाँ जब तक रिपेयर हो रही है अब लगाते हैं गाड़ियां बेचने पे। मेरा टैब अपना मुझे जाना है वेब पेज पे और लाइन से गाड़ियां बस बेचनी है भाई, बहुत बहुत सारी गाड़ियां, तो टाइम लगने वाला है। गाइस अभी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अपने पास इतनी ज्यादा इतनी सारी गाड़ियां है ना कि मैं उन्हें सेल पे लगाते लगाते सचमुच में थक जाऊंगा, और उसके बीच में एकदम दिमाग लगा के प्राइस डालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर गाड़ी को ना इन 2-3 टाइम्स प्राइस पे बेच देता हूँ सिंपल। जैसे ये गाड़ी $7,500 की, तो मतलब लगभग 23,000 कुछ बन रहा है इसका, तो इस पे भी थोड़ा सा बढ़ा देता है 28,000 करके इसे डाल देता सीधा। बस मुझे ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले फ्लोर पे मेरी लग्जरी कार है वो नहीं बेचनी। तो नेक्स्ट कार है अपनी ये होंडा की, इसे डाल देते हैं 18 है, तो 60,000 कर देते हैं, 3 टाइम से भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट है शेवलेट की कोबाल्ट, ये 10,000 की है, इसको 32,000 में बेचते हैं। भाई जल्दी जल्दी सेल पे लग जाएगी ना, बढ़िया रहेगा। और ऑफिस ओपन नहीं, आज एक काम करते हैं सेल पे डालते हैं, कल कस्टमर्स को बुला के बेच देंगे। ये 6,000 की है तो ये डाल देते हैं हम लोग 25,000, कुछ भी भाई रैंडम प्राइस डाल रहा हूँ मैं। 13,000 की है तो ये डालेंगे हम लोग 60,000, ये भी 60,000। भाई मैथ भी कोई नहीं लिखेगा, भाई $2,000 की गाड़ी $10,000 की डालूँ, क्योंकि मैंने सारी गाड़ियां भाई ला के रिपेयर करवाई है। मैंने खरीदी 2,000 की थी बट सारी गाड़ियां रिपेयर करा के भी रखी है। हाँ कुछ कुछ नहीं है शायद, ठीक है BMW बहुत पुरानी वाली है, तो 36,000 Volkswagen की कोई तो है भाई, 60,000 की डालते हैं। BMW सीरीज 1 8,000 का, 28,000 कर देते हैं। स्कोडा 27,000 का, 80,000 कर देते हैं। होंडा CX BMW सीरीज 1 26 को डालो। ऑडी S5 भाई टेक्नो मोटर्स में ऑडी S5 को भी मैंने नीचे वाले फ्लोर पे रखा हुआ है, वाह शायद ये बहुत पुराना मॉडल है इसलिए सस्ता बिक रहा होगा, बट ठीक है अभी बेचेंगे इसे। भाई अपने पास इतनी सारी लग्जरी कार्स है कि ऑडी S5 को हमने नॉन लग्जरी वाले सेगमेंट में खड़ा कर रखा है नीचे वाले फ्लोर पे। हो सकता है कि 2009 मॉडल है तो बहुत सस्ता हो इसीलिए। ऑडी S4 डॉज चार्जर, ओ भाई वेट एक सेकंड, अभी गलती से सुपरा बेच देता हूं। ऑडी RR भी नहीं बेचनी है, पोर्शे फरारी ऑडी RR मस्टैंग BMW तो फास्ट कौन सी गाड़ी है, ये मैंने भी लिया वो है क्या, शायद से मैंने सारी गाड़ियां सेल पे लगा दी भाई जितनी भी अपने पास थी। बाकी कुछ कुछ गाड़ियां दिखा रहा है कि ऑफिस में नहीं, अच्छा ये जो मैंने अभी खरीदी है ये वो वाली गाड़ी है। ओके तो जितनी भी गाड़ियां भाई सारी मैंने ऐड कर दी है, देखो कितनी सारी गाड़ियां भाई सेल पे लगी पड़ी है अपनी, बहुत सही सीन भाई। चलो ऑफिस में कल सारी गाड़ियां बिकने के लिए लग जाएगी। फिलहाल आज मैं क्या करता हूं, देखो कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, दो गाड़ियां बस और ली थी इसको, ये वैसे ना लग्जरी सेगमेंट में जाएगी क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 1,00,000 सुपरा से महंगी गाड़ी है भाई। तो क्या करता हूं आज थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, भले ही रात हो गई इस गाड़ी को मैं पार्क तो करके आ जाऊं एटलीस्ट। ओ भाई ये मसल कार है, क्या लाउड है यार ये, ओ एक सेकंड, नहीं नहीं डैमेज नहीं, ओहो भाई बहुत ज्यादा गलत साउंड है यार, असली माफिया कार तो भाई ये है, वो ब्लैक वाली नहीं थी, ये इसमें फील आ रही है। इस गाड़ी को मैं अपनी पर्सनल कार बनाने वाला हूँ, मैं इसको नहीं बेच रहा भाई, इसको शोरूम के बाहर पार्क कर देते हैं, इस पे कल काम वाम करवाएंगे, बहुत तगड़ी कर देंगे इसे। बाकी यहाँ कल आते मुझे पोर्शे फरारी दोनों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना है, इनका पेंट चेंज करवा के ऊपर वाले फ्लोर पे या फिर ये सारी गाड़ियां बेचने के बाद नीचे ही कहीं अच्छे से खड़े करना है। बाकी अपने पास ये नेक्स्ट कार है बीटल, ये तो जाएगी भाई, इसको टो करवा के वहां पहुंचाते हैं। और अभी ना यार सचमुच में शोरूम के अंदर जगह नहीं है, वरना मुझे तो ये बीटल भी बेचनी है, ये भी कोई ऐसे खास महंगी गाड़ी नहीं है, बट हाँ थोड़ी रेयर टाइप कार है वो, तो उसे अभी नहीं बेचते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ अपनी निसान GTR से एक ड्रैग रेस करने, अगर हो रही होगी तो, वैसे आई डोंट नो इतनी रात को कोई रेसर अवेलेबल होगा। लाइट जला लो भाई, इस गाड़ी में मजा लगाता है, फुल स्पीड में भगा के चलता हूँ मैं सीधा भी ड्रैग रेस के लिए। ओ वेट भाई दो रेसर आ रखे हैं भाई, गलत सीन, हाँ भाई क्या सीन है, एक सेकंड रुको, एक बंदा लाया अपनी BMW कौन सी है भाई, अच्छा नहीं BMW M3 और रेस है $600 का, वेट रुक जा तू, तू कौन है भाई, मेरी रेस है $170 भाई, कितनी सस्ती रेसें हो रही है। हाँ जी आपसे रेस लगा लेते हैं भाई, $600 कमा लेते हैं यार, मतलब ऐसा मेरा मन तो नहीं बटा, ऐसी थोड़ी खुजली है किसी को हराने की तो इसको हरा कर आते हैं भाई, मुझे तो शर्म आ रही है इसके साथ रेस लगाने में, देख रहे हो अभी कि कितनी बुरी तरह लपेटेगी ना अपनी गाड़ी, इसको खतरनाक सीन हो जाएगा अभी देखना। चलो भाई गियर अप करके हम लोग चलते हैं रेस लाइन पे, और हम लोग क्या करेंगे ना पहले इसको भागने देंगे उसके बाद इसे ओवरटेक करेंगे, बस हमें गियर शिफ्ट अच्छे से मार दो। चलो भगा भाई भगा, तू भगा भगा हो गया, चलो अब भागते हैं। अरे भाई गलत, बेचारे को पूरा जाने दिया था पहले, ले जा भाई जितना आगे जाना चाह रहा है, खत्म है लेट्स गो।
भाई $600 मैंने कमा लिए, अपना पेट्रोल वेट्रोल का पैसा हो जाता है यार। बाकी तेरे से रेस नहीं लगानी भाई, $100 के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। $600 में फिर भी अच्छा खासा फ्यूल डल जाएगा, 100 में कुछ नहीं होता भाई। ये लेफ्ट में कुछ गाड़ियों के नाम लिख के आ रहे, शेवलेट, सीटन, होंडा, स्टेप, ये क्यों आ रहे गाड़ियों के नाम? इज आउट ऑफ रीच, पता नहीं भाई कैसे इन्हें, कॉमेंट्स में बताना गाइस क्यों आ रहे नाम। फिलहाल मैं तो अभी जा रहा हूँ अपनी गाड़ी भगाते हुए सीधा अपने घर पे सोने के लिए, और कल हम लोग दोबारा से वापस आएंगे टेक्नो मोटर्स पे और सारी गाड़ियां बेच के देखते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा होने वाला है। तो देखो गाइस, जितना पैसा अभी मेरे पास है उसको मैं सारी गाड़ियां बेचने के बाद जो टोटल मनी होगा उससे माइनस कर दूंगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना पैसा मैंने सारी गाड़ियों को बेच के कमाया है। फिलहाल अभी सोते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी वापस से सोकर उठ चुके हैं और आज भाई वेदर वापस से बहुत ज्यादा क्लीन है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं टेक्नो मोटर्स पे, क्योंकि मैं बहुत, अरे यार एक तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो राइट साइड में, इस गेम में इकलौती यही गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में, पता नहीं क्यों। बाकी हाँ, मैं आज सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि सारी गाड़ियां बेचने वाले हैं। फिलहाल ये जो लेफ्ट में मुझे गाड़ियों के नाम लिखकर आ रहे हैं सारी, आउट ऑफ रीच, क्या है कस्टमर्स उस, अच्छा ओ भाई मेरे को समझ आ गया क्या सीन है, मेरे को समझ आ गया भाई। लेट्स गो, मैं पे चलता हूँ फिर आपको बताता हूँ भाई ये जो लेफ्ट में गाड़ियों के नाम है ये क्यों लिख कर आ रहे हैं। बाकी यार ये जो अपनी गाड़ी है ना भागती तो बहुत ज्यादा सही है, और आज ऑक्शन भी है 11 बजे, तो सारी गाड़ियां बिकती रहेंगी, पैसा इकट्ठा होते रहेगा। लगे हाथ हम लोग ऑक्शन में भी देख लेंगे कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो क्या पता कोई भाई खतरनाक रेयर कार आ जाए। बाकी हाँ, मैं आ चुका हूँ शोरूम पे वापस से, और अभी एक बार ना उतर के मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। तो यहाँ पे जो अपना एम्प्लॉय काम करता है, गाड़ी वाड़ी साफ करता है, वो सारी गाड़ियां साफ तो कर पा रहा है, बट कुछ कुछ गाड़ियों पे वो पहुंच नहीं पा रहा है, इतनी ज्यादा गाड़ी खड़ी होगी पैर रखने की जगह एक्चुअल में नहीं है, तभी लिख कर आ रहा है भाई आउट ऑफ रीच, वहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहा तो साफ कैसे करेगा। फिलहाल ओपन करते हैं शोरूम को, कस्टमर आना चालू होंगे। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है अभी तो जस्ट ओपन कर, 5-6 बंदे मेरी आंखों के आगे स्पॉन हो रहे हैं भाई, क्या गलत भीड़ लग रही है ये देखो भाई, कहां से आ रहे हो, मैं सच में कुछ भी नहीं कर रहा, ये देखो ऐसे ज़ॉम्बी फार्म नहीं होता माइनक्राफ्ट में, वैसे बंदे स्पॉन हो रहे हैं यार। इतनी ज्यादा गाड़ी अपने पास कि कस्टमर की एक्चुअल में बहुत लंबी लाइन लग चुकी है भाई, ये देखो यार सबको ऐसे लग रहा है टेक्नो मोटर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो बंदे अंदर जाने से ऐसे डर रहे हैं, बार बार से देख के खुश हो रहे भाई गाड़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सेल लगी है बहुत बड़ी वाली, खत्म ही नहीं हो रहे भाई कस्टमर, पहले सब आ जाओ भाई। अरे भाई ये देखो एक गया, अब एक आएगा, हो गया खत्म। अरे भाई नहीं खत्म, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्या भीड़ आ रही है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रहा हूँ। ओ भाई साहब लाइन लग गई भाई शोरूम में, भाई ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां फ्री में बट रही है इधर और सारे लेने के लिए आ गए, देख रहे हो कैसे लाइन लगी हुई है भाई कस्टमर्स की भर के। ओहो समझ नहीं आ रहा भाई कौन कौन सी गाड़ी बेच डालू बंदों को। गाइस मैं सच बताऊं ना, मेरा गाड़ियां बेचने का मन ही नहीं कर रहा है, ये जो भीड़ आ रही है ना कस्टमर की ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। चलो कोई नहीं यार, मजे नहीं लेते कस्टमर से, गाड़ी बेचना चालू करते हैं। फर्स्ट बेच रहे हैं स्कोडा, जो कि 27,000 के लिए थी, 45 ये दे रही है। दो मिनट वेट कर, इससे भी पता कर लेता हूँ, ये तो अलग गाड़ी लेने आया भाई, भाई मैं बहुत कंफ्यूज होने वाला हूँ। ये गाड़ी मैंने ली थी 16,000 की, 40 की बिक्री है भाई, बंदे सच में अच्छा प्राइस भी दे रहे हैं, 40 ये बोल रहा है, इसको अगर मैं 46 बोलूं तो क्या देगा भाई। मेरे को भी एम्प्लॉय चाहिए होगा गाड़ियां बेचने के लिए। भाई बिक गई, चलो एक गाड़ी बिक गई, कांग्रेचुलेशंस खुद को। अरे अरे बस बस भाई, इतनी जगह नहीं है, इतने लोग आ गए भाई, ये देख रहा क्या हो रखा है। गाइस आज तो अपना शोरूम यार पूरा कस्टमर से भर चुका है, टेक्नो मोटर्स पे कभी इतने सारे कस्टमर आ जाएंगे भाई गाड़ियां खरीदने के लिए, भाई मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बहुत ज्यादा भीड़ लग गई इस टाइम पे, कसम से 100-150 बंदे हैं भाई, मेला नहीं लगा हुआ है, इतने लोग क्यों आ रहे हो यार। सचमुच में बहुत दिक्कत वाली बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले गाड़ी किसे भेजूं, बहुत सारे लोग तो वेट कर करके भाई जा भी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना जाओ भाई, मुझे भी कस्टमर की कमी नहीं है, निकल यहां से भाई। एक जाता है बेटा, दो आते हैं, दो नहीं तीन आते हैं, वो तेरी दो और चले गए सच में जा रहे हो तुम तो। चलो रुक जाओ, इसको गाड़ी बेचते हैं भाई, जो अच्छे पैसे देगा उसको गाड़ी जल्दी मिलेगी। 21,000, निकल 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 बाहर, चलो राह में नहीं यहाँ पे, देख तू गया तेरी डुप्लीकेट शक्ल का एक और आ गया। हाँ जी सर, आप कितने पैसे दे रहे हो इसकी गाड़ी? 70% डैमेज है क्या मेरी तरफ से? वैसे गाड़ी $6,000 की, नहीं 6 बोला, 6 की बिकेगी। हाँ जी सर आप बताओ, देखो ये गाड़ी $24,000 की मैंने ली थी और आप 28 की खरीदोगे, हमसे शाणे बनोगे, 4,000 कमाओ उसमें। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा यार कौन सी गाड़ी कब किसको जाकर भेजूं, यहाँ पे भाई ज्यादा भीड़ लग रही है, इनसे बात करते हैं। शेवलेट खरीद रहे हैं जो कि मैं 6,000 की लाया था, 25,000 दे रही है। अरे यार तो अच्छी डील है ना। अरे नहीं 25 मैंने डिमांड करी, 8,000 दे रही है। लाइक काम का 12,000 दे और जा प्लीज, दे दे यार, और अगर तूने मना करा रुक जा तेरी ऐसी की तैसी। बाकी नेक्स्ट लाइन से देखते हुए चलते यार कस्टमर्स को, कोई भेदभाव नहीं। 10,000 दे रहा है बंदा उस गाड़ी के, इसको मैं 12 या फिर 11,999 करके भेज देता हूँ, शायद खरीद ले, क्या पता स्कैम में फंस जाए। नहीं आ रहे तो कम आने बोल रहा है, रुक जा एक काम कर, 10,800 का तो ले ले भाई, कुछ तो कमाऊ मैं भी। ओके भाई लेट्स गो, एक और गाड़ी बिक गई। नेक्स्ट कार आ जाओ भाई, कौन सी है ये? तो 2,000 की लाया था मैं, तो तुम 6 भी दोगे, 2,000 की लाया 2,000 देगी? मेरी वही मेहनत नहीं है भाई गाड़ी खरीदने ढूंढने उड़ने लाने की, गाड़ी 2,000 में लाया था और तू भी 2,000 में खरीदेगी, भाग यहां से।
नेक्स्ट, आधे से ज्यादा कस्टमर तो मैं ही भगाऊंगा भाई यार। इसके अच्छे पैसे चाहिए भाई, ऑक्शन से निकाली है गाड़ी मैंने, भाग यहाँ से भाई। जितने की तो मैं लाऊं उससे सस्ती दे रहे हैं लोग। भाई ये गाड़ी की औकात ही नहीं है मुझे लग रहा है ये तो। चलो फिर भी इसे तो 3000 में ले जाए, जगह घेर रही है अभी गाड़ी मेरे लिए भी, प्लीज ले जा। चलो भाई नेक्स्ट कार है वॉक्सवैगन, ज्यादा वेट करा देगा। हाँ जी, ये भी वही वाली गाड़ी खरीदी भाई, एक गाड़ी के 10 कस्टमर है अभी। ये गाड़ी में 19000 की लाया था, 24 में तो नहीं हो पाएगा। अगर तू 28 आ सकती है तो अभी बेच दूंगा, क्योंकि 28 में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इस गाड़ी पे। बिक गई भाई, लेट्स गो। नेक्स्ट कार है ऑडी S5, 14000 की मैं लाया था, 20 तो नहीं, 24 में बेच दूंगा बट, क्योंकि ऑडी S5 नहीं बिक भाई, $10,000 कमा लूंगा अगर बिक गई तो। नहीं ना तो फिर जाए से भाई, मैं थक गया भैया गाड़ी बेच बेच के। अभी तो है काफी सारे टाइम और कस्टमर्स आते जा रहे हैं भाई, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, रिजेक्ट करने में कोई डर नहीं है, कस्टमर जा रहे हैं आ रहे हैं। पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ ताकि कुछ गाड़ियों तक जहाँ बंदे पहुंच ही नहीं पा रहे एटलीस्ट जगह तो बने। गाड़ी 27 की लाया था, 47 की बिक रही है, $20,000 सीधे कमा रहा हूँ। इसको 50 करके निकाल देते हैं, सब बढ़िया देता है, 50 एक बड़ा नंबर है और जो की बिक जाएगी। चलो भाई अभी गाड़ी झुलते जा रही है भाई, साथ के साथ काम फुल चल रहा है भाई। नेक्स्ट, हाँ जी सर, BMW 5 सीरीज है, 9000 की मिलाया था, 14 आप दे रहे हो, 18 दे दो, ले जाओ भाई खत्म काम, 9 में कमा लूंगा, मजे आ जाएंगे। अरे नहीं, कम नहीं होगा भाई इससे कम। हाँ जी भाई, हुंडई की खरीद रहे हो गाड़ी, 24 की लाया था, 28 तो रिजेक्ट डायरेक्ट। लोड एस्कॉर्ट क्लासिक मैं 19 की लाया था, 20 की खरीदेगा तू, इतना बड़ा हो गया, दोनों भागो यहाँ से। हाँ जी नेक्स्ट, 24 की मैं बस देख रहा हूँ मैं कितने की लाया था, मुझे कितने की बेचनी है मैं कुछ नहीं देख रहा। 24 की लाया था, 27 की नहीं बेचूंगा। ये गाड़ी तो भाई बहुत ही सस्ती घटिया है, इसको निकाल देना चाहिए, 2800 में निकाल लो, क्योंकि मैं गाड़ी खुद 1800 की लाया था, बहुत सस्ती गाड़ी है कोई, इसको बेच के जगह बनाते हैं। चलो 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 नेक्स्ट, ये कोई अच्छी गाड़ी बिक रही है यहाँ पे, BMW 5 सीरीज, 9000 की लाया था, 18500 की बेचूंगा, डबल कमाई होनी चाहिए भाई मेरी। यस सर, हो गई। चलो भाई नेक्स्ट कस्टमर है फियाट पेंटा, 1700 की गाड़ी थी और 4000 दे रहा है भाई, 4000 में भी थोड़े से बढ़ा के इसको बेचेंगे हम लोग, 4400 बेच रहा हूँ भाई, प्लीज खरीद ले। यस हो गया, थोड़ा प्राइस उठा दो भाई, बिक जाती है गाड़ियाँ, 21000 की भाग है। ओ भाई सच में बहुत गाड़ियां है यार, बहुत ज्यादा बेच दूंगा, पर भाई एक दिन में नहीं बिक सकती गाड़ियां, अभी तो 8 बजने वाले हैं, शोरूम बंद होने का टाइम होने वाला थोड़ी देर में, बट फिर भी जितनी बिक पाते हैं स्टिल बेचते हैं। ये गाड़ी $18,000 की थी, 20 अच्छे पैसे दे रहे हैं, 30 में खरीदेगा, 30 तो नहीं जाएगा, 28999 चले जाएगा शायद से। ओके भाई हो गया ऐसे स्कैम हो जाता है भाई। हाँ, BMW सीरीज 1 8000 की लाया था, 9000 में खरीदेगी तू, है सीरीज 1 खरीदनी है, 15000, ये अच्छे पैसे दे रही है, ये हुआ ना एकदम जेन्युइन कस्टमर। लाओ 17,999 हम ऐसे ऑफर करते हैं आपको, पागल बन जाते हो फिर खरीद भाई, ये समझदार है। चल 17,200, इससे नीचे नहीं आऊंगा भाई, खरीद ले चुपचाप। हाँ वेरी गुड। ओहो, एक और BMW, $2,50,000 इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने बहुत सस्ती सस्ती गाड़ियां बेच के 2,00,000 से भी ज्यादा कमा लिए। नहीं भाई, ये गाड़ी 8000 की लाया था, 11 की तो नहीं बेचूंगा, डबल प्राइस ही है भाई। ये गाड़ी 8000 की लाई, ये तो 8000 की ले रही है। हाँ जी मैम, ऑडी S5 है, अच्छी गाड़ी है, इसके 40 दे दो प्लीज, इस गाड़ी को पैसे देने के लिए रेडी नहीं है भाई। 18 की लाया था, 20 दे रही है, गाड़ी 0% डैमेज है। हाँ जी आप बताओ, ऑडी की वैल्यू बहुत कम कर रखी यार इस गेम में, पता नहीं क्यों। 18 की 26 दे रही है ना, 28999 दे दे भाई, ये वाली बिक जाएगी, ये बिकेगी पका ले इसको। फिर रात हो चुकी है, अभी कस्टमर आना तो बंद हो गए हैं, क्योंकि बंद होने का टाइम है, अभी जितने कस्टमर अंदर थे बस मुझे इन्हें गाड़ियां बेच के निपटाना है यार। रुको ऐसा नहीं करते, जल्दबाजी में गाड़ियां नहीं बेचते, अभी शोरूम बंद करते हैं और उसके बाद लाके गाड़ियां बेचेंगे। फिलहाल बंद करते भी आप लोग देखना कैसे यहाँ पर भाई बंदे निकलने वाले हैं अचानक से। अरे बंद हो चुका है, अलग ही डीट हो भाई, तुम लोग जा ही नहीं रहे भाई, तुम बाढ़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ घर सोने, कल सुबह आऊंगा मैं गाड़ियां बेचने। आज हमने प्रॉफिट करा है $2,38,000 का, तो डे 1 का हमने काउंट कर लिया, अभी टोटल कार नहीं बिकी है, बस पकड़ के जा रहा हूँ भाई, इतनी सारी गाड़ियां मेरे पास फिर भी ऑफिस बस पकड़ के जा रहा हूँ, काउंट टू अर्थ भाई। चलो भाई, अरे तो कल के कस्टमर ही खड़े हुए हैं। ओ भाई हेलो, वापस ऑफिस ओपन कर दे, तो रात भर वेट कर रहे थे क्या तुम लोग यहाँ पे? मैं सच में यार जेन्युइन कस्टमर से जा रहे, $24,000 का गाड़ी, 20,000 है भागे से। आप बताओ सर, 19,000 का, 26 भाई, 26 नहीं, अरे पड़ क्यों रहा है भाई, एक कोने से बेचते हुए चलते हैं भाई गाड़ियां, वरना कभी खत्म नहीं होने वाली है भाई। $1,800 की गाड़ी के 9,000 दे रहा है, 3,000 कमाऊंगा क्या? होंडा CX है भाई, कम से कम मेरे को 14,000 तो दो, ये भी 8,000 भाग यहाँ से। हाँ जी मैम, आप कितने पैसे दे रहे हो? अच्छा ये तो दूसरी गाड़ी ले रही है, ये 2000 की गाड़ी है, इसके 4 चलो भाई, 3,300 भी ठीक है, 3,600 देके, अरे नहीं 3,600 ले जाओ, इस गाड़ी को ले जाओ, भागो यहाँ से। नेक्स्ट आओ भाई, कौन है? ऑडी S4, 13,000 की गाड़ी, 14,000 में, इतना बड़ा हो गया तू है। हाँ होंडा CX 6,000 का था, 11,400 में बेच देते भाई से, बिक गई। ऑल राइट, तो अभी आधे से ज्यादा शोरूम एक तरीके से खाली हो चुका है और अभी भी ये भरा भरा लग रहा है। मैंने सच में बहुत गाड़ियां बेच दी है, बट अभी भी भाई सच में इतनी गाड़ियां बचे कि ऐसे लग ही नहीं रहा है शोरूम खाली है। एक एक गाड़ी के 3-3 कस्टमर है और शीशे के बाहर खड़े हैं बेचारे, उधर से बात कर रहा हूँ मैं, अंदर भी नहीं आने दे। 10,000 का 10,000 में नहीं, नेक्स्ट बताओ भाई। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ सारी की सारी गाड़ियां उनकी अपने एक बेस्ट प्राइस पे बेचूं, मुझे ऐसे जल्दबाजी में कोई गलत डील नहीं करनी है, मैं टाइम ले रहा हूँ भाई, अब आराम से गाड़ी बेच रहे हैं। होंडा CX है यहाँ पर भी, चले गया भाई। हाँ तू बता भाई, तू भी तो कस्टमर की कमी नहीं है, जाना जाओ भाई। 10,000 में ले जाए गाड़ी, बढ़िया रहेगा भाई, मस्त गाड़ी है। अरे यार भाग यहाँ से। हाँ जी मैम आप बताइए,
चाहिए। ये गाड़ी अच्छी बिक रही है भाई, 13 की लाया था, 26 तो सामने से दे रही है, इसके 26 को मैं 29 तक तो ले आऊंगा। प्लीज इस गाड़ी को 29,000 में ले जा, बहुत सही डील, ये अच्छी बिकी भाई। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है कस्टमर्स की, अब जल्दी जल्दी गाड़ी बेचते क्योंकि आज कार मार्केट प्लेस पे ओपन है, तो वहां से भी मुझे तगड़ी गाड़ी लेकर आने। तुम भाई फटाफट शॉपिंग करो, 24 की ले जा, सीधा ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। अभी ना सारी सस्ती गाड़ियां बची है, तो अगर थोड़ा गलत डिसीजन में लिया तो ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, मैक्स 30-40,000 का होगा सब गाड़ियों पे अगर मिला भी दूं। ये गाड़ी भी अच्छी बिक रही है अभी तो, 24,555 की ले जा, कुछ भी रैंडम रेट डालते थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बस। अरे नहीं ले रहा, अच्छा बिक गया, ले गया भाई। नेक्स्ट डोज आर पिकअप ट्रक है, $70,000 का। अरे भाई पागल टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, जब नहीं खरीदनी तो 7,000 की मैं लाया था, 70,000 मैंने डाला है और 17 का ये ले रहा है। भाई तू बहुत सही बंदा है, तो एक काम कर इसे 19 में ले जा, बात खत्म भाई, बढ़िया डील है, बहुत बढ़िया। ओके लेट्स गो, बिक गई। नेक्स्ट कार है ये वाली, ये गाड़ी थी 13,000 की और मैंने इसका प्राइस 60 डाला है, ये 14 का ले रहा है। अगर देख तो 15 लेता तो मैं 2,000 कमा के भी खुश हूँ इस गाड़ी में, खरीद ले, लेट्स गो, बिक गई। अब गाड़ी बची है एक, ये वाली बची है पीछे, ये गाड़ी है 8,000 का था, 9 नहीं नहीं भाई इतना कम भी नहीं है, ये गाड़ी है 8,600 का और मैंने ये 10 दे रहा है मुझे, तो इसको 11,500 करके दे देते हैं। $1,000 तो तेरी पॉकेट में एक्स्ट्रा होना चाहिए भाई गाड़ी खरीदना है। हाँ नेक्स्ट SUV 24 का था भाई, इसके मुझे 40 चाहिए, नहीं भाई इतने कम नहीं भाई, इसके तो चाहिए, दे दो यार थोड़े से तो जेब से पैसे निकालो। 24 क्या होता भाई, क्या बदतमीजी है। लॉर्ड एस्कॉर्ट 19,000 का है, इसके भी लगभग मुझे 30 तो यार 28 ही दे दे भाई तू, 28,999 प्लीज, ये शायद खरीद लेगी, ये खरीद लेगी, अमीर है भाई, होगा बढ़िया डील। अभी गाड़ी बची है पीछे की साइड पे, ये थोड़ी बहुत हो रहा है, $10,000 का ये गाड़ी, 32 मैंने डाला था, 10 ही ये पे कर रहे हैं। नहीं भाई क्या $300 कमाऊंगा क्या मैं, 10 का है एटलीस्ट मुझे 18 तो दो, 9,000 भाई क्या कमी है इस गाड़ी में, तू दे दे भाई 15 दे दे, 18 छोड़ भाई, 15 भाग यहां से नहीं बेच रहा मैं, तू बता। होंडा CX का कस्टमर है, ये तो गाड़ी सस्ती जाएगी, इसको 10,200 में निकालते हैं, $4,000 कमा लूंगा, मस्त है भाई। बाकी लास्ट एक कस्टमर बची है इस वाली गाड़ी की, इसको बेच देते हैं यार, ये गाड़ी नहीं बिक रही है, सच में कोई 10 से ऊपर दे ही नहीं रहा है इसके, इसने दिया भाई 11 दे दिए, ले भाई इसने शायद मेरी बातें सुन ली कि 10 से ऊपर कोई नहीं दे रहा, इसने 11 कर लिए और लो भाई गाड़ी बिक गई सही, और नहीं बिकी पता नहीं क्यों नहीं बिकी भाई, डील तो अच्छे से हो रही थी। ये वाली गाड़ी तो बिक जाएगी 32 में, खरीद ले भाई 4,000 ही बनाए हैं। लास्ट गाड़ी बची है अपने पास, $2,000 की लाया था, 4 में दे दूंगा, नहीं तू तो बहुत ही कम पैसे दे रहा है भाई, खरीद ले बढ़िया है, 3,100 की ले जा, 3,100 में गाड़ी बिक गई। चलो भाई लास्ट गाड़ी ये बची है, इसका कस्टमर है, अब तू जितने की लेगा तू लकी कस्टमर है भाई, अब तू जितने बोलेगा उतने में ले जाए गाड़ी। 10,000 की मिला है बंदे, 9 ऑफर कर रहे हैं यार, एटलीस्ट मुझे 500 तो ज्यादा दे, इस गाड़ी से कुछ तो कमाऊं, पहले 11 ट्राई करता हूं, 11 में बिक गया तो 1,000 कमा लूंगा, उन्हें से 10,500 दे देंगे, ओ भाई बिक गई। चलो भाई शोरूम खाली हो चुका है और अभी भी लिखकर आ रहा है शेवलेट C10 होंडा स्टेप होंडा CX इज आउट ऑफ रीच, भाई कौन सी रीच से आ रहा है। चलो खैर जो भी है, अभी बहुत सारी गाड़ियां बिक गई है, मेरा अभी सीधा कार मार्केट प्लेस जाने का, अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ यार लग्जरी कार्स बची है ऊपर वाले फ्लोर पे, बाकी नीचे वाले फ्लोर पे जितनी भी गाड़ियां हैं ये कोई भी नॉर्मल कार नहीं है, पोर्शे है, फरारी है, उधर एक मस्त माफिया वाली कार है और इधर ये बीटल है, बाकी अभी GTR को भगा के लेकर चलते हैं कार मार्केट प्लेस पे और वहां से भी कोई तगड़ी गाड़ी ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि पैसा $5,00,000। आप लोग इतना कह सकते हो कि सारी सस्ती गाड़ियां बेच के मैंने 4,30,000 या $50,000 कमाए हैं, लेट्स गो। तो मैं वापस से आ चुका हूं यहां पे कोई बढ़िया गाड़ी की तलाश में, और आज यहां पर भाई एक और पोर्शे और दो फरारी, भाई पोर्शे फरारी कुछ ज्यादा कॉमन हो गए इस गेम में, तो कितने की है भाई तेरी फरारी, मैं सोच रहा हूँ कि तीनों खरीद लूँ, ये 2,90,000 की है, ये वाली गाड़ी कितने की है, ये वाली गाड़ी है 2,80,000 की, एंड पोर्शे है, पोर्शे कितने की है भाई, पोर्शे है 1,40,000 की, सबसे पहले पोर्शे ले लेते हैं और तीनों गाड़ी आ जाएगी शायद अगर ढंग से डील करूँ तो, पोर्शे मैं इसको ऑफर करता हूँ 1,08,000 में, मेरे हिसाब से ये इतना कम नहीं आएगा, 1,10,000 कर देता हूँ सीधा, और नहीं ये 11,00,000 हो गया, वेट अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, 1,10,000, हाँ 1,10,000 सही लिखा था मैं भाई, ये तो कम लग रहा है यार, 1,18,000 भाई इतना तो आ जाए, ओके वेट हो गया, पोर्शे हमने खरीद लिया, इसको रिपेयरिंग के लिए भेज दे, नहीं अभी नहीं भेजते हैं, पहले सारी गाड़ी खरीद, 3,90,000 में मुझे ये दोनों गाड़ियां खरीदनी है और एक गाड़ी की कीमत ही 3,00,000 है समझ लो, जैसे लग रहा है एक ही फरारी आ पाएगी, तो पहले पता कर लेते हैं अच्छी कंडीशन में कौन सी है, इसकी गाड़ी 13% डैमेज है और इस बंदी की गाड़ी 22% डैमेज है, तो और ये महंगी भी बेच रही है, इसकी कम डैमेज है सस्ती बेच रही है, तो बेटर डील यही होगी, पहले इससे बात करते हैं, वैसे रेट तो अच्छे खासे गिर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, 2,30,000 बोलू कैसे, इतना कमाएंगे ऑफर करने में क्या जा रहा है भाई, बिक गई, थोड़े से और कम बोलने चाहिए थे यार, चलो कोई नहीं एक गाड़ी जा चुकी है, दूसरी गाड़ी से पता करते हैं, ये अब तो नहीं मिलने वाली भाई, 1,65,000 में भाई कौन ही दे रहा है, इसे मैं सीधा ऑफर कर देता हूँ 1,65,000, जितने हैं सारे लगा दूंगा भाई, बेच दे, नहीं भाई तो चल निकल ऐसे नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास वैसे भी अभी है फरारी, तो ये गाड़ी को भी फटाक से हम लोग भिजवाते हैं रिपेयरिंग के लिए और दूसरी पोर्शे जो लिए इसको भिजवाते हैं रिपेयरिंग के लिए, बाकी तो यहाँ पर मुझे कोई भी आज तगड़ी गाड़ी नहीं नजर आ रही है, एक फरारी और खड़ी है बस, उसके अलावा
अलावा कोई भी तगड़ी गाड़ी नहीं है। मैं चाहूँ तो जल्दी से जाके अपने शोरूम से एक गाड़ी बेच सकता हूँ कोई, और फिर ये वाली फरारी ले जाऊंगा, बट कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से भी गाड़ी बहुत कॉमन हो चुकी है, इसके चक्कर में जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी मैं गाड़ी बेचूँ सस्ते में। आराम से भाई, बाद में भी आती रहेगी, बाद में ले लेंगे। बाकी एक बार यार आप लोग यहाँ से देखो ऊपर वाले फ्लोर कैसे चमक रहा है भाई, हर कलर की गाड़ियां खड़ी हुई है, और नीचे वाले फ्लोर पे भी भाई बहुत सारी गाड़ियां आ गई है, 1 2 3 4। वेट गाइस, एक बार ना ऊपर चल के काउंट करते हैं कि अभी अपने पास कितनी लग्जरी कार हो चुकी है, कलेक्शन काफी सही बनने वाला है। डन, तो अभी आ चुके ऊपर, एक है ऑडी R8, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टोटल तगड़ी गाड़ियां हैं अपने पास, जो की सारी एकदम बढ़िया कंडीशन में, कोई भी गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, और हर गाड़ियां मॉडिफाइड है, सब में पेंट वेंट बढ़िया हो रखा है। 8 ऊपर हो गई, ये होगी 9 10 11 12 13, और सामने दो अभी जो मैं लेकर आया हूँ वो जाएंगे 14 एंड 15। तो अपने पास 15 कार्स का तगड़ा कलेक्शन हो चुका है, तो इसको रिपेयर पे लगवा देते हैं। और ये वाली गाड़ी भी भाई, वो वाली गाड़ी कौन, ओ भाई भूत रिपेयर कर रहा है, भागो, भूत भूत गाड़ी रिपेयर कर रहा है भाई, सच में। एक्चुअली हुआ क्या है ना, गेम बग हुई है, मैंने जैसे रिपेयर पे लगाया उनका काम खत्म होने का टाइम हो गया था, और गेम ने जो वर्कशॉप पे काम करते मैकेनिक्स उनको हटा दिया, तो अभी गाड़ी रिपेयर हो रही है बट मैकेनिक ही नहीं है, अपने आप हो रही है भाई। तो ऑफिस अभी बंद कर देते हैं, ये सारी गाड़ियों को मैं लाके कल शोरूम में खड़े करने वाला हूँ भाई। गलत, मुझे बस ये देखना कि गाड़ी रिपेयर होगी या फिर होते रहेगा ऐसी। खैर छोड़ो, जो भी है रिपेयर होगी, ओ हो गई, ओ भाई गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, अपने आप रिपेयर होगी भाई, ये जाके ऊपर तू होगी क्या अपने आप जाके, नहीं ये नहीं होगी। चलो गाइस, फिलहाल आज की सॉलिड वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपने पास अभी बहुत सही कलेक्शन तो दिख रहा है, यहीं से सामने देखो भाई कैसे सारी गाड़ियां गोल गोल घूम रही है। अभी ये था ऊपर वाले फ्लोर पे, अब यही चीज आपको अगली वीडियो में ग्राउंड फ्लोर पे भी दिखने वाली है। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने शोरूम को ना दोबारा से मुझे तोड़ के नया बनाना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है मुझे नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 450,000 लाइक के लिए, तो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो मैंने पूछा यार मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना, और थोड़ी बहुत सजेशंस भी दे सकते हो, मतलब आप चाहते हो ऊपर नया फ्लोर बनाया जाए तो बताना कमेंट्स में, जो भी करना है। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।